वेटर। अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी मेनू के दर्शन भी नहीं हुए यार। मेरे को इससे कुछ पूछना है। कुछ सर, आप मिनरल वाटर लोगे या रेगुलर वाटर? वो सब छोड़, तू मुझे ये बता कि इस बास्केट में क्या है। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं उसमें। क्या बात कर रहा है, इस कास्केट में वो नहीं है क्या? वो क्या? मम्मी। हाँ। अरे ये असली मम्मी की बात कर रहे। हाँ वही मम्मी की, वो जो हजारों साल पुरानी लाश को सफेद पट्टी में लपेट देते हैं ना, वही मम्मी। देखिए साहब, मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। हाँ मगर मुझे इतना मालूम है कि ये डब्बा नकली है और इसमें कोई मम्मी वम्मी नहीं है। ये रहा मेनू, अगर कुछ काम की बात हो तो मुझे बुलाना, ठीक है? मुझे दिखाता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? इसको मैं अभी बताता हूं। छोड़ना, छोड़, छोड़। कैसे बात कर रहे? छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। बैठ बैठ, नीचे बैठ। भी ना यार, चुप बैठ, बैठ चुप। चुप चुप? नहीं नहीं चुप बैठूंगा। शर्त लगाता है। शर्त? किस बात की शर्त? इस बात की शर्त कि इस कास्केट में मम्मी है या नहीं। तू ना पागल हो गया पागल। तुझे मालूम है इस बक्से में कुछ नहीं है। मगर मैं जानता हूँ कि इस कास्केट में मम्मी जरूर है। अच्छा तुझे हारने का इतना ही शौक है तो लगा देते शर्त। ले 10,000 की लगा दे। ले तू कंजूस का कंजूस ही रहेगा। अरे तेरे बारे में सोचकर मैंने इतना लगाया। अच्छा बता, तू इस डब्बे को कैसे खोलेगा? तू देखता जा बेटा, देखता जा। ए, क्या कर रहा है तू? लगता है आज ये पिटवा के छोड़ेगा। लगता है गड़बड़ करेगा कुछ तो। अरे क्या कर रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए? मैनेजर, मैनेजर। मैं पागल नहीं हूं, नहीं हूं पागल। सर इसने खाने पीने का तो ऑर्डर दिया नहीं, कब से तमाशा कर रहा है फालतू का। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरे साथ है। तो इनको कहो कि वहां चुपचाप बैठे। नहीं बैठूंगा, क्या कर लेगा? अरे ये लोग अपना हलवा बना देंगे, चल अपने जगह पर जाकर बैठे। चल 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 नहीं आऊंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। सिक्योरिटी ए चल साइड में हो, चल छोड़ इसको। नहीं हो, छोड़ इसको। नहीं छोड़, सुनता नहीं तेरे को। नहीं छोड़ इसको। नहीं छोड़, छोड़ इसको। नहीं छोड़। देखा मैंने कहा था ना, इस डब्बे में मम्मी जरूर है। देखो क्या शान से लेटी है। अरे ये मम्मी नहीं है, ये लाश है, लाश। सीआईडी को बुलाओ, सीआईडी को बुलाओ। ये सब कुछ तुम्ही लोगों की वजह से हुआ है। चलो पीछे हटो। आप यहाँ के मैनेजर हैं? यस सर। ये सब हुआ कैसे, क्या हुआ यहाँ पर? ये सब कुछ इन्हीं वजह से हुआ है सर, इन्होंने हमारे सिक्योरिटी गार्ड को मारकर इस कैस्केट में डाला है। सर हम लोग तो बाहर से आए थे, हम कैसे डेड बॉडी लाएंगे? ये सर हमारा रेस्टोरेंट बंद कराना चाहते हैं, इनका ये साथी इस कैस्केट के साथ लिपट रहा था ना, ये लिपटता और ये ना सब कुछ होता। सर सर मैं आज के बाद कभी दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा सर, कभी नहीं लगाऊंगा सर। थोड़ा बहुत सर पिया भी है सर, अगर पिया भी ना तो ऐसे डब्बे को कभी गले से नहीं लगाऊंगा सर, कभी गले से नहीं लगाऊंगा सर। ठीक है, दूर 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 खड़े होकर बात करो, पीछे जाओ। सर ये देखिए सर, इसके सिर पे यहाँ गन पाउडर लगा है, लगता है एकदम पास में से गोली मारी है सर, एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से। ये जानते हो इसे? जी सर, ये यहाँ नाइट शिफ्ट करता है। ये लाश थी कहाँ पे? इस कैस्केट में थी सर। क्या
क्या इस कैस्केट में? मतलब किसी ने इस वॉचमैन को मार दिया और कैस्केट में बंद कर दिया। अगर यह आदमी इस कैस्केट से नहीं लिपटता तो पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर लाश है या नहीं। क्यों? जी सर। ये सुबह का वॉचमैन कौन है? सर मैं ही हूँ। तो तुमने देखा नहीं कि नाइट शिफ्ट वाला वॉचमैन कहाँ गया? सर जब मैं सुबह शिफ्ट पर आया तो ये अपनी जगह पर नहीं था। मैंने सोचा ये जल्दी शिफ्ट खत्म करके घर चला गया होगा, इसीलिए तुम लोगों ने पता भी करने की कोशिश नहीं की कि वॉचमैन जिंदा है या मरा है, है ना? पर सर ये आदमी इस कास्केट के अंदर पहुंचा कैसे होगा? हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूं। देख जरा बॉडी को पलटो। माय गॉड, लाश। बॉडी को निकालो बाहर। निकालो। ये तो किसी इजिप्शियन मम्मी जैसी दिखती है। ये मम्मी यहां पर आई कैसे है? ये यहां कैसे आई? कमाल है, आप उल्टा हमसे पूछ रहे कि ये मम्मी आई कहां से कास्केट में? आपको नहीं मालूम? मुझे सच में नहीं मालूम सर। तो क्या भांग पीकर बैठे थे क्या? सच में नहीं मालूम कैसे आई ये मम्मी यहां पर, बताओ। सर मैंने इसे कभी खोल के नहीं देखा सर। मैनेजर साहब यहां पे एक ताजी ताजी लाश पड़ी है तुम्हारे वॉचमैन की, और दूसरा ये शायद एक पुरानी मम्मी है। हा? इतना सब कुछ दबा के बैठे इस कास्केट में, लोग आसपास खाना खा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ मालूम नहीं है? हा? सर हमारे ओनर ने तो ये खाली कास्केट रखा था, उसके बीच में ये सब कुछ कैसे आ गया सर हमें नहीं पता। तुम मैनेजर हो यहाँ के, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस कास्केट में क्या है। इसे सब कुछ मालूम है तभी तो इन दोनों को फंसाने की कोशिश में आएंगे। ये रेस्टोरेंट का मालिक कहाँ पर है, बुलाओ सर। जी वो दिल्ली गए हैं किसी मीटिंग के सिलसिले में। उनको फोन करके अभी बुलाओ, उनको बोलो हमें बात करनी है उनसे। अभिजीत दे, इस होटल का कोना कोना छान मारो, अच्छी तरह से चेक करो, यहां तक कि वो वॉचमैन जहां पर बैठता था वो जगह भी चेक करो, शायद कुछ मिल जाए। ये बता वॉचमैन कहां पे बैठता था? वैसे तो यही है सीट, पर इधर उधर भी घूमता रहता था। यहां पे। और सोता कहां पे था? क्या बात कर रहे हैं साहब, ड्यूटी पर कोई सोता थोड़ी है। सोता कहां पे था वो? ये पे सर, इसी कुर्सी पर। ठीक है जा, दूर खड़े हो जा, उधर जा। ये क्या? अभिजीत ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये तो बैंगनी कलर की, पर्पल कलर की बाल है। हाँ सर। मैनेजर साहब। यस सर। देखिए इन बालों को, ये पर्पल कलर के बाल है। क्या आपके यहाँ किसी के ऐसे बाल है? नहीं सर, ऐसे बाल तो हमारे यहाँ किसी के नहीं है। कोई कस्टमर आया हो उसके? कुछ याद तो नहीं आ रहा, पर ऐसे बाल तो दूर से दिख जाएंगे। कहीं ये खूनी के बाल तो नहीं? हो सकता है सर। मैनेजर सर, तुम्हारे बॉस के साथ तुम्हारी बात हो गई? वो दिल्ली से वापस आ रहे कि नहीं? जी आ रहे। कोई वॉचमैन को क्यों मारेगा? एक बार सर में से गोली निकाल लूं तो बता सकता हूं। तो गोली निकालने से पता चल जाएगा? गोली निकालने तो दो। डॉक्टर तारिका, बाल की खाल निकाली? मेरा मतलब है बाल में से कुछ मिला क्या? नहीं अभी तक तो नहीं। क्या हुआ होगा उस रात उस रेस्टोरेंट में? कहीं वो चोर इस मम्मी को चुराने के लिए तो नहीं आया था? हो सकता है सर कि ये मम्मी पहले से ही उस बॉक्स में थी। शायद ये भी हो सकता है सर
खूनी इस मम्मी को चुराने आया था और जब वो इस मम्मी को चुरा रहा था खूनी को इस वॉचमैन ने देख लिया। हाँ सर, और फिर उस खूनी ने इस वॉचमैन पे गोली चला दी, ये वॉचमैन मारा गया, खूनी डर गया, डर के मारे उसने वो मम्मी वही कास्केट में छोड़ दी और फिर इस वॉचमैन की लाश को कास्केट में बंद कर दिया और वहां से भाग गया। वो देखते हैं ये रेस्टोरेंट का मालिक इस मामले में क्या कहता है। बस ये हो बुलेट जो मैंने इस वॉचमैन के सर में से निकाली है। गुड, तो अब पता चल जाएगा ना खूनी कौन है। अरे यार अभी तो बुलेट ताजा ताजा निकाली है, पहले से धोऊंगा पोंछूंगा उसके बाद। यार सारुंग के जब इतना सारा करना है तो फिर बुलेट मिलते ही डांस क्यों करने लगे। अरे फ्रेडरिक्स क्या कर रहे हो तुम इधर? मैं कुछ नहीं सर। कुछ नहीं कैसे फ्रेडरिक्स, कुछ तो कर रहे थे तुम। अरे कहा ना कुछ नहीं सर, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि 2000 साल पहले जब इस मरे हुए आदमी की मम्मी बनाई जा रही थी तब ये हंस रहा था या रो रहा था। हेलो, इस भी प्रद्युमन या? ओ मिस्टर नीरव, हाँ हाँ रेस्टोरेंट के मालिक, समझ गया। नहीं नहीं हम तो खुद आ जाएंगे आपके ऑफिस में। हाँ हाँ आपका ऑफिस भी देखना चाहते हैं हम। कहां पर है आपका ऑफिस? मिस्टर नीरव, तो आप हैं मिस्टर नीरव है? जी जी, मुझे मैनेजर साहब ने फोन पर सब कुछ बता दिया। तो अब तक तो आपने कोई कहानी भी तैयार कर ली होगी। कहानी? मैं क्यों कहानी तैयार करूंगा सर, मैं तो खुद नहीं जानता कि वो मम्मी कहां से उड़ के आ गई उस कास्केट में, और वो डब्बा भी नकली है सर, वो तो मैंने ही बनवाया था थोड़ी सी ड्रामेबाजी करने के लिए। ड्रामेबाजी? ड्रामेबाजी? एक मम्मी अपने होटल में रखना ड्रामेबाजी है? सर मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से एक असली मम्मी को रेस्टोरेंट में रखना एक अपराध है, तो फिर भला मैं क्यों खुद जानबूझ के अपनी कब्र खोदूंगा सर। कब्र तो खुद चुकी है, और इससे पहले कि तुम्हारी मम्मी बन जाए, सच सच बता तुम वो मम्मी कहां से लेके आए? सर मैं मम्मी लेके नहीं आया, वो तो सर कोई मुझे बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो जरा हम भी सुन ले, कौन पीछे पड़ा है तुम्हारे? सर वो बात ऐसी है कि मेरा काफी नाम है होटल इंडस्ट्री में, मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, और सर आप तो जानते हैं कि आजकल मंदी का दौर छाया हुआ है, सबके बिजनेस ठप पड़े हैं, सिर्फ मेरा बिजनेस चल रहा है, बस इसी की जलन है सबको। अच्छा, तो किसी ने एक मम्मी खरीदने की मुसीबत मोल ली, उस मम्मी को तुम्हारे होटल में रखवा दिया, उसे कोई और तरीका नहीं मिला तुम्हें बर्बाद करने का, क्यों? सर अब क्या बताऊं सर मैं। चलो मान लेते हैं किसी ने आपको फंसाया है, आपके हिसाब से कौन कर सकता है ये काम? सर कुछ पागल दुश्मन है मेरे। उन दुश्मनों के कुछ नाम भी तो होंगे हैं? सर उनमें सबसे पहले है साकेत, मेरा पुराना बिजनेस पार्टनर, मेरी कंपनी से काफी पैसा चुरा के भागा है वो, और दूसरी है। दूसरी मतलब लड़की है? जी हाँ, उसका नाम है रक्षा, वो मेरी सेक्रेटरी थी, और आपका चक्कर चल रहा था उसके साथ। एक्चुअली वो चाहती थी कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी कर लूं, मगर मैं मजबूर था, उसने कंपनी तो छोड़ दी पर आज तक मुझे फोन करती रहती है। करो और धोखा करो अपनी पत्नी के साथ। और तीसरा दुश्मन? उसका नाम मदन है सर, उसने मुझे फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी सर। पूरी दुनिया ही इसकी जान के पीछे पड़ी है ना? वो सर वो क्या तुमने ही कुछ किया है ना? क्या किया है सर? वो मेरा और वो गाना क्यों गा रहे हो? सवाल ही तो पूछा है सर। वो मेरा और उसकी पत्नी का प्यार, मतलब मेरा उसकी पत्नी से अफेयर चल रहा था, और ये बात कहीं से मदन को पता चल गई। अभी तक उसने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? छोड़ा कहाँ है सर, मैं तो खुद छुपता छुपाता घूम रहा हूँ। अच्छा, और भी कोई बचा? कोई चौथा दुश्मन तुम्हारा? जी हाँ, उसका नाम है मथुरा दास, उसका भी काफी नाम है होटल इंडस्ट्री में। और कोई बचा है तो वो भी बता दो, कोई अफेयर्स वगैरह? एक बार अपनी पत्नी को धोखा दे देता तो चल जाता, लेकिन तूने तो लाइन ही लगा दी। सर मेरी वाइफ इसे कभी माफ नहीं करेगी सर। अभिजीत, इसके चारों दुश्मनों से पूछताछ करो,
विवेक, एक बहुत जरूरी काम है। क्या सर? एक बहुत बड़े अपराधी का खून हुआ है और वहां पे हमें ये फिंगरप्रिंट्स मिले। अरे, इसका खून हुआ है और अभी तक हमें पता नहीं चला? नहीं, हम सबको पता है। अगर तुझे पता नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मगर एसीपी सर ने मुझे कैसे नहीं बताया? बताना जरूरी नहीं समझा होगा। तो एक काम कर, ये फिंगरप्रिंट्स ले और पता कर कि ये है किसके। लेकिन सर, एसीपी सर मुझे जरूर बताते। ज्यादा सवाल मत पूछ, चुपचाप काम कर। यस सर। गुड। सर, ये फिंगरप्रिंट्स किसके हैं? किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं बताऊंगी। ये फिंगरप्रिंट्स उस मम्मी के हैं जो फॉरेंसिक लैब में लेटी पड़ी है। What? 2000 साल पहले मरा है वो आदमी। तो फिर सर, ये फिंगरप्रिंट्स विवेक को मिलेंगे कैसे? धीरे बोलो, धीरे बोलो। वो ढूंढता रह जाएगा, वो अपने कपड़े फाड़ लेगा, लेकिन उसे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे। मगर सर, ये तो सर, पहले तो हमें उन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए जिनकी इस नीरव के साथ निजी दुश्मनी है। मतलब सर, ये रक्षा और मदन। एग्जैक्टली, रक्षा और मदन। और दया, अभिजीत से कहो कि वो जाकर के नीरव से मिले और पता लगाए कि उसके जो चार दुश्मन है वो रहते कहाँ है, और पहले जाकर के इस मदन से बात करें। एक बात और है सर, अगर ये नीरव वाकई में सच बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि खूनी मम्मी साथ लेके आया था वहां कास्केट में, बॉक्स में रखने के लिए। मगर दया, अगर वो मम्मी साथ में लेकर आया था तो उसने ये मम्मी कहीं से तो खरीदी होगी, है ना? क्या जरा पता लगाने की कोशिश करो यहां वहां से कि हजारों साल पुरानी मम्मी मिलती कहां है, या ऐसे कौन लोग हैं जो इस मम्मी बेचने के धंधे में है। सुनिए भाई साहब। जी, कहिए। क्या आपने कभी सुना है कि कोई आदमी कहीं पे ये असली मम्मी बेचता है? मम्मी? हाँ, मम्मी मतलब जो लाशों को सालों साल रखने के लिए कपड़ों में लपेट के उसे डब्बे में डाल देते हैं। ये इजिप्ट के राजा महाराजाओं को रखने के लिए करते थे, जैसे 2000-3000 साल पहले। अच्छा अच्छा, वो मम्मी। मुझे लगा कोई औरतों को मार के बेच रहा है। नहीं नहीं, मैं वो पुरानी मम्मी की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप हैं कौन और आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, सीआईडी। जी, देखिए, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। बहुत दिनों पहले मैंने सुना है एक आदमी है, गौतम। गौतम ना जाने कहां से कैसे कहीं बाहर से मम्मीज मंगा रहा है। कहां मिलेगा ये गौतम? कौन है वहां पर? आइए, ये सीआईडी से आए हैं। नीरव का तो नाम सुना ही होगा आपने। हाँ, सुना है। सुनो, तुम अंदर जाओ। नीरव, मैंने कहा ना, तुम अंदर जाओ। ऐसे कि डर क्यों रहे हैं आप? हैं, मैंने तो सिर्फ नाम ही लिया है। तुमने उसे फोन पे मारने की धमकी दी थी? हैं? हाँ सर, दी तो थी। और जब मार नहीं सके तो उसके रेस्टोरेंट में एक मम्मी भेज दी उसे बदनाम करने के लिए। ये सर, मम्मी, ये आप क्या कह रहे हैं? देखो मदन, ठीक ठीक जवाब नहीं दिया तो मैं भाभी जी को बुला के पूछ लेता हूँ। अरे सर, वही तो बता रहा हूँ जो मालूम है। अपने आदमी को वहां नहीं भेजा मम्मी रखने के लिए, ताकि असली मम्मी रखने के जुर्म में वो गिरफ्तार हो जाए? देखिए सर, मैं मानता हूँ, जब से मुझे मालूम पड़ा है कि मेरी बीवी का अफेयर नीरव के साथ चल रहा है, तब से मैं गुस्से से जला जा रहा हूँ, और इसीलिए ही मैंने नीरव को फोन करके मारने की धमकी दी थी। लेकिन सर, ये मम्मी शम्मी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। चल चल,
नमस्कार सर। नमस्ते के बच्चे बैठे सर, लेकिन बताना तो चाहिए सर कि मुझे क्यों पकड़ा है। देख गौतम, तेरा ये जो चक्कर है ना, ये स्मगलिंग का, इसके बारे में हम सब जानते हैं, समझा? कौन सा? मम्मी। मम्मी? ये मम्मी क्या है? अच्छा, मम्मी का नाम नहीं सुना है तुमने? ये मम्मी मम्मी क्या है? मम्मी नहीं सुना? सुना है साहब, सुना है। मेरी मम्मी घर पे खाना बना रही है। आपकी मम्मी कहाँ है साहब? पराठे खाए अपने बाप के हाथ के पराठे? बैठ, 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 बैठ। याद आ गया साहब। लेकिन साहब प्लीज हाथ संभाल के। तो बताओ कहां से लाते हो ये मम्मीज? साहब ये बाहर देश से आती है। कैसे? वही जहाज वगैरह में, कंटेनर में भर के। शर्म नहीं आती तुम्हें? दूसरे देश की अमानत लाकर यहां तुम बेचते हो? डर नहीं लगता तुम्हें? साहब वो बाहर देश के लोग जमीन खोद के मम्मी निकाल रहे हैं, हम थोड़े कुछ कर रहे हैं साहब। चुप! ये उनकी धरोहर है, उनकी राष्ट्र की अमानत। 2-3 हजार साल पहले बनाई गई है ये मम्मीज, और तुम इन्हें इस तरह से बेचते हो? नीरव के रेस्टोरेंट में डालने के लिए मम्मीज तुमने किसको बेचा? ये नीरव कौन है? लो सर, इसकी याददाश्त फिर से चली गई। याद नहीं है? साहब मेरे पास जो मम्मीज है साहब, सब ठीक ठाक है साहब, कोई भी गायब नहीं हुई है। अच्छा, तो और भी मम्मीज है तुम्हारे पास? कहां छुपा के रखी है तूने मम्मीज, बताओ? लेक में, जूनी लेक में। जूनी लेक? गौतम सर, ये बक्से के अंदर पानी नहीं जाता? नहीं सर, वो फुल है, टाइट है, पूरा टाइट है। अच्छा, ऐसी जगह पे ये बक्सा छुपाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? सर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई चीज पानी में छुपाई जा सके। यही सोचकर मैंने ये खतरा मोल लिया था। उठाओ 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 उठाओ, लेके आओ। चलो आ जाओ, लेके आओ लेके आओ। और उठा लो उठा लो। चार चार लोग लगे हुए और आराम से आराम संभाल के। हेलो, हाँ बस आ गए, बस बस बच के नीचे भी ले लो। देखो और भी होगा, निकालो जल्दी, बच्चा खोलो। ये बास्केट खोलो। मम्मी आई कहाँ से? सर ये भी इजिप्ट की है। इजिप्ट से? कहीं किसी का खून करके मम्मी तो नहीं बना रहे हो? नहीं सर, सर ये असली है सर, मेरे पास जितनी मम्मी है सब असली है। सारे फिंगरप्रिंट्स चेक कर लिए सर, अभी तक ऐसा एक भी निशान नहीं मिला है सर जो इन उंगलियों के निशान से मिलता है सर। लगे रहो विवेक, लगे रहो। सर नाक में दम आ गया, ये आपने कैसा एग्जाम दे दिया है सर? सर मुझे विवेक की हालत देखी नहीं जा रही है सर। विवेक पे बहुत तरस आ रहा है ताशा। क्या क्या
बात क्या है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्लीज उसे सच बता दीजिए ना सर। ताशा, तुम्हें मालूम नहीं है विवेक ने एसीपी साहब के सामने कितनी बार मेरी नाक काटी है, कितनी बार डूबना पड़ा है मुझे चुल्लू भर पानी में। वो सब याद कर करके मेरा दिल जलता है ताशा। तुझे नहीं मालूम मुझे कितनी तकलीफ हुई है, और अब उसे कुछ हो रहा है तो तुझे तकलीफ हो रही है। सर प्लीज सर। मिल गया ऐसा। मिल गया। मिल गया ऐसा, पता चल गया ये उंगलियों के निशान किसके हैं सर। हार नहीं मानी सर, मैंने ढूंढ लिया सर। विवेक तू मजाक तो नहीं कर रहा है? ये कैसे हो सकता है विवेक? ताशा तुम खुद ही देख लो, ये देखो। सर विवेक ठीक कह रहा है सर। ताशा तुम्हें मालूम है तुम क्या बोल रही हो? सर मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। विवेक तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है? नहीं सर, आप खुद ही देख लीजिए, अपराधी का नाम भी लिखा हुआ है सर, डाकोरी गोगला। देखिए सर। अरे विवेक तुझे मालूम है ये उंगली के निशान किसके हैं? हाँ सर, इसी के, डाकोरी गोगला के। अबे ये उंगली के निशान उस 2000 साल पुरानी मम्मी के है जो फॉरेंसिक लैब में लेटा हुआ है। 2000 साल पहले मर चुका था वो आदमी, उसके उंगलियों के निशान है ये। और ये डाकोरी गोगला अभी जिंदा है। 2000 साल पहले मरे हुए आदमी की उंगलियों के निशान एक जिंदा आदमी के साथ मैच हो गए? सर ये तो चमत्कार हो गया सर। ये चमत्कार नहीं है विवेक, ये कुछ और ही है। क्या कहना है? सर मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया था सर। ये मम्मी 2500 साल पुरानी थी और मैंने इसे कनाडा से खरीदी थी। कनाडा से? कनाडा में ये मम्मी कहाँ से आई? सर वहाँ एक फैमिली है सर, उसे पैसों की ज़रूरत है। और उनके पास ये मम्मी कहाँ से? शायद उनके दादाजी ने 50 साल पहले खरीदी और ये मम्मी उनके घर में ऐसे यूं ही पड़ी थी। बेवकूफों को ये मालूम नहीं कि इसकी असली कीमत क्या है। गौतम सर सच बताओ, इस कास्केट में मम्मी थी ना? हाँ सर, उसे मेरे सामने में बॉक्स में रख के पानी में रखा गया था। तुम्हारे अलावा इस कंटेनर की चाबी किस किस के पास होती है? सर मेरे दो हाथ हैं, रणवीर और समीर, दोनों ये मम्मीज खरीदते हैं और दोनों इसे बॉक्स में बंद करके पानी में रखते हैं सर। लगता है तुम्हें तुम्हारे दाएं और बाएं बाजुओं ने धोखा दे दिया। वो दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? ऐसा हो गया है? अब समझ में आया है सर, वो दोनों मेरा फोन कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं। फ्रेडरिक्स, विवेक, ताशा, तुम लोगों ने ये जो हंगामा किया है, अगर उसमें जरा सी भी गड़बड़ हो गई ना तो याद रखना तुम तीनों के तीनों सीआईडी को बाय बाय करते नजर आओगे, समझे? मुझ पे विश्वास कीजिए सर, ये बात 100% सच है सर। ये कैसे हो सकता है फ्रेडरिक्स? एक 2000 साल पहले मरे हुए आदमी के हाथों की उंगलियों के निशान आज के क्रिमिनल के उंगलियों के साथ कैसे मिल सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल सर। ऐसा विवेक ने करके दिखाया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, डाकोरी गोगला के उंगलियों के निशान इस मम्मी के उंगलियों के निशान से मिलते हैं सर, इसमें मेरा क्या कसूर सर? ये सब किसके दिमाग में है? फ्रेडी सर, सर मैं सिर्फ ये सिखाने की कोशिश कर रहा था सर कि फिंगरप्रिंट्स कैसे लिए। तो फ्रेडरिक्स तुम्हें सिखाने के लिए क्या यही मम्मी मिली? और तुम्हारे पास इस मम्मी के उंगलियों के निशान आए कहां से? सर मैंने चुपके से लिए थे सर। फ्रेडरिक्स ऐसे भी साहब, बस असल बात यह है कि ये 2000 साल पुरानी मम्मी नहीं है। क्या? तो फिर कितने साल पुरानी है सर? इनफैक्ट ये मम्मी है ही नहीं, ये हिंदुस्तानी मुर्दा है।
और ये देखिए ये पट्टी, ये 2000 साल पुरानी पट्टी नहीं है, ये लोकल केमिस्ट से खरीदी हुई पट्टी है। ऐसी पट्टी 2000 साल पहले नहीं बनती थी बॉस, और ना ही एक्सपोर्ट होती थी। और हाँ, ये देखिए, ये इस पट्टी पर इस कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, ओश। ओश? या, ओश। ये कंपनी चड्डी बनियान बनाती है, और इस मम्मी ने जो चड्डी पहनी होगी शायद इस कंपनी ने ही बनाई होगी। मतलब सांखे, ये एक लाश है। एग्जैक्टली, मम्मी नहीं है। बिल्कुल सर, शायद ये खून है। बॉस, देख लेते हैं किसका खून हुआ है। ये तुम किसके साथ मिलाकर देख रहे हो सारंग के? जिसके साथ इसकी उंगलियों के निशान मिलते हैं। डाकुरी गोगला। यस, डाकुरी गोगला। तो ये है डाकुरी गोगला। इसका मतलब है रणवीर और समीर ने इस डाकुरी गोगला का खून किया और उसकी मम्मी बनाकर नीरव के रेस्टोरेंट में डाल दिया। और इसका मतलब ये भी है सर कि रणवीर और समीर में से किसी ने उस वॉचमैन को भी मारा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। गौतम, रणवीर और समीर इस वक्त कहां मिलेंगे? मैंने उन्हें आज रात मेरे कॉटेज से कुछ सामान उठाने को कहा था। कॉटेज कहाँ है तुम्हारा? सनामिया के पास। ठीक है, दे सर। तुम विवेक और ताशा इस डाकुरी गोगला के घर जाओ और हम लोग इस गौतम के कॉटेज पे जाते हैं। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? बिना पूछे मेरे ऑफिस में घुसे चले आ रहे? सीआईडी ऑफिसर पूछ के भी तो आ सकता है। हाँ, आ तो सकता है। और फिर सीआईडी का मेरे ऑफिस में क्या काम? मैंने तो किसी का खून नहीं किया। काफी हाजिर जवाब लगते हैं आप। नीरव को तो जानती होंगी। ओ, नीरव, तो उसने भेजा है आपको यहाँ। सीआईडी वाले ये काम भी करने लगे? लुक ऑफिसर, अगर आप यहाँ मुझे ये बताने आए हैं कि मैं नीरव को फोन करके परेशान करना बंद कर दूं, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, वो फोन कॉल्स बंद नहीं होंगे। क्यों बंद नहीं होंगे? इतना बड़ा धोखा दिया है उसने मुझे कि अगर मेरा बस चले तो मैं गुस्से में आप किसी भी हद तक जा सकती है, है ना? क्या मतलब? मतलब ये रक्षा जी कि आपने एक इजिप्शियन मम्मी रखवा दी है नीरव के होटल में ताकि वो कहीं का ना रहे, बर्बाद हो जाए। इजिप्शियन मम्मी, ये क्या चीज है? ये वो चीज है जो 2-3 हजार साल पुरानी होती है, जो इस वक्त नीरव के होटल में सो रही है एक ताजी ताजी लाश के नीचे। लाश के नीचे? जी हाँ, वॉचमैन की लाश के नीचे, जिसके खून में अभी आप फंसने वाली है। हाँ सर, हाँ सर, ओके ओके। कहाँ पे? ए, क्या मांगता है? थोड़ा पीछे पीछे खड़े रहो। गोगला के भाई से बात कर। ए, मुंह संभाल के बात कर। कौन है तू? जाइए साहब, आप लोग अंदर जाइए। सर, मुझे भी सिखाना, ऐसे थप्पड़ मारते कैसे हैं? कौन तुम लोग? क्या मामला है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मेरे मरद को अरेस्ट करने के लिए आए तुम लोग? आपका मर्द? मेरा मतलब है आपके पति घर पे है? नहीं, वो बाहर गया है किसी काम से। तुमको क्या मांगता है, बोलो बोलो। आपके पति शायद वापस नहीं आएंगे। ए, क्या बोलता है तू? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? वापस नहीं आएगा मतलब? हमें आपके पति की लाश मिली है।
लाश? हाँ लाश? माई क्या हुआ? क्या हुआ माई? अपने पर आ जाती है तो दर्द होता है ना, सोचा है कभी उन्हें कैसे लगा होगा जिन्हें तुम्हारे पति ने मार दिया? कितनी लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। आपने अपने पति को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह जब वो पनवेल के लिए निकला मीटिंग के लिए। आपने उनको फोन किया था? उसके निकलने से पहले हमारा झगड़ा हो गया था, मैंने फोन किया उसने उठाया नहीं, तब लगा गुस्से में है तो इसलिए नहीं उठा रहा है, खोपड़ी ठंडी हो जाएगी तो फोन कर लेगा। इसके पहले आपके पति पनवेल गए हैं? काफी बार। कौन से होटल में ठहरते थे? पेरिसन, पेरी ग्रैंड पेरिसन। जी हाँ, ऐसे कुछ बोल कुछ। इस बिजली को भी अभी ही जानी थी। बिजली का बिल नहीं भरा क्या? अरे इस सामान की हालत देख के ऐसा लगता है यहाँ पे अच्छी खासी आतापाई हुई है। मेरे घर की कैसी हालत कर दी है? फ्रेडी एक काम करो, इस घर की जरा अच्छी तरह से तलाशी लो। काफी कबाड़ भरा पड़ा है। लाश है यहाँ पे। हाँ? और इसके बाल देखे तुमने? अरे हाँ सर, एकदम पर्पल कलर के है सर, बिल्कुल वैसे की वैसे जैसे हमें नीरव के रेस्टोरेंट में मिले थे सर। इसका मतलब है वॉचमैन को इसी ने मारा है। जरा इसको पलटो, देखें कौन है। ये तो रणवीर है। रणवीर? हाँ रणवीर है सर। इसका मतलब समीर इसका खून करके फरार हो गया है। बस उनके क्या खबर है? खबर अच्छी है बस। ये बाल जो आपको नीरव के रेस्टोरेंट में से मिला था वो इस रणवीर के बाल से एक दम मैच करता है। तो मतलब रणवीर था वहां पर रेस्टोरेंट में? 101% था। इसका मतलब है रणवीर ने ही उस सिक्योरिटी गार्ड का खून किया है। और इतना ही नहीं बॉस, ये बुलेट जो हमें इस रणवीर की लाश में से मिली है वो इस बुलेट से जो सिक्योरिटी गार्ड की लाश में से मिली थी एकदम मैच करती है। क्या? मतलब एक ही गन से दो दो खून? Exactly. हाँ फ्रेडरिक्स, इसका मतलब है पहले रणवीर ने सिक्योरिटी गार्ड का खून किया और फिर समीर ने रणवीर की गन लेकर रणवीर का ही खून कर दिया। लेकिन सर समीर ने रणवीर को मारा ही क्यों? ये तो तभी पता चल जाएगा जब हम समीर से पूछताछ करेंगे। इस समीर को ढूंढो। सर अभिजीत सर ने फोन करके बताया था कि उन्होंने अभी तक साकेत और मथुरा दास से इंक्वायरी नहीं की है, अगर उनसे पूछताछ करेंगे तो शायद पता चल जाएगा कि ये समीर है कहां। हाँ, साकेत और मथुरा दास। Excuse me. Yes sir, how may I help you? जरा ये फोटो देखिए,
क्या ये आदमी यहाँ रहने के लिए आया था? इसका नाम डाकोरी कोगला है। नहीं सर, इस आदमी को तो मैं पहली बार देख रही हूँ। तो ठीक से देख के बताइए, याददाश्त पे जोर डालिए, फिर बताइए। हम लोग सीआईडी से। मैंने कहा ना, इस आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा है। क्या हुआ यहाँ पर? कौन है आप लोग? आप? मैनेजर? मैनेजर। हम लोग सीआईडी से। जरा ये फोटो देखिए, ये आदमी यहाँ रहने के लिए आया था? ये नहीं, ये यहाँ पे नहीं आया था। कौन है ये आदमी? डाकोरी कोगला। नहीं सर, ना तो ये कभी यहाँ रहने आया और ना ही मैंने से कभी नाम सुना है। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। डाकोरी की फोटो देखकर रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर दोनों के दोनों का पसीना छूट गया सर। हाँ सर, और इस रिसेप्शनिस्ट का तो चेहरा ही पीला पड़ गया। क्या हुआ होगा यहाँ? कौन है वहाँ? मारेगा, मारेगा। क्या सुन रहा है चुपके? एक मिनट सर, इसे तो मैंने रिसेप्शन के पास देखा था। क्या सुन रहा था? साहब, आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? आप रिसेप्शन पे जिसके बारे में पूछ रहे थे। गोगला। हाँ, वही ठहरा था यहाँ पे। अच्छा, तो फिर रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर ये क्यों कह रहे थे कि उन्होंने गोगला को कभी देखा ही नहीं था? साहब, जब मैं रूम साफ कर रहा था तो मुझे एक पेपर मिला। हाँ। उस पे लिखा था, मैं अपनी जान दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं। फिर लाश का क्या हुआ? उसकी लाश को तो कहीं चोरी छुपे ले गए, पुलिस की कार्रवाई ना हो, होटल का नाम खराब ना हो, और इसीलिए हम सबको मुंह बंद रखने के लिए कहा गया था। अभी वो लाश कहाँ? लाश को तो बेच दिया सर। लाश बेच दी? किसको? रोमिश को। कौन रोमिश? के बारे में पूछ रहे हैं? जी हाँ, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो यहीं पर रहते हैं? वो यहाँ से चले गए। चले गए? हाँ जी, वो कहे बाजार की मंदी की वजह से ना, वो अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले गए। ओके, थैंक यू। आदे सीआईडी वाले। अच्छा, तो पहचानता है हमें? बोल, लाश कहाँ? कौन सी लाश? कौन सी लाश? याद है? बोल। मैं मानता हूँ कि मैं लाशों की हेराफेरी करता हूँ मेडिकल कॉलेज। सच के लिए सर, ये वाला गाना नहीं, गोगला की लाश वाला गाना। गोगला की लाश? हाँ हाँ। किसको बेची? किसको बेची गोगला की लाश? मथुरादास को। मैंने लाश बेची। अरे सर, ये मथुरादास तो नीरो का चौथा दुश्मन है सर। मथुरादास, चलो मिलते हैं उससे। चल। What is this nonsense? ये को तरीका हुआ? देखते नहीं हैं मीटिंग चल रही है। मीटिंग खत्म हो गई है मथुरादास। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? आप लोग जरा बाहर चलिए, मैं अभी अब से। नहीं, कोई नहीं जाएगा यहां से, सब यहीं खड़े रहेंगे। सबको सच सुनने का अधिकार है। कैसा सच? इजिप्शियन मम्मी का सच। ऐसी बातें सुनकर मेरे हार्ट को, माय गॉड, ये दर्द बढ़ता जा रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है। कहाँ भाग रहे?
मैं नीरव को बर्बाद कर देना चाहता था ताकि नीरव बर्बाद हो जाए और मैं आगे बढ़ सकूं। और इसीलिए तुमने रोमेश से लाश खरीद ली है? हाँ। और तुमने रणवीर और समीर को पैसे दिए ताकि वो लोग डाकोरी की लाश को मम्मी बनाकर नीरव के होटल में डाल दिए हैं? मगर तुम्हारा बैड लक ही खराब था, है ना? इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रणवीर वॉचमैन को मार देगा और फिर समीर रणवीर को मार देगा। बेवकूफ कहीं का, कहीं कोई ऐसा करता है? सोचिए मुझे मेरा बात को। कत्तू ही निकला तू। तुमकी वजह से मेरा सारा प्लान फेल हो गया। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे उस गधे रणवीर ने वॉचमैन को मार दिया, फिर तूने उसे मार दिया। क्या हो रहा है ये? सर मैं रणवीर को नहीं मारना चाहता था सर। सर आपने जितने रुपए दिए थे वो लेकर भाग रहा था, मुझे धोखा दे रहा था सर। तो इसका मतलब खून कर देगा तू उसका? सर मजबूरन करना पड़ा सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। अब उन सियाली वालों के सामने मुझे बसंती बनकर रहना पड़ेगा। चल जा। मुझे छोड़ दीजिए सर। छोड़ दू ताकि तू फिर से मेरी कुर्सी के नीचे पटाखा रख दे। नहीं नहीं सर, सर नहीं सर। चल मरने के लिए तैयार हो जा। सर नहीं सर। मैं तो मर ही रहा हूं तो फिर तुझे साथ लेके क्यों नहीं मरूं? कानोगा मानोगा? सर नहीं सर। सर मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने उसे बाहर डाला। गाना भी नहीं जानता था। तुम्हारे दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं, ना कोई दर्द। तुम्हें तो फांसी ही होनी चाहिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।